शक्ति की जर्नी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। स्पिरिचुअल डेथ का नाम आपने सुना होगा। स्पिरिचुअल डेथ जिसमें व्यक्ति की डेथ नहीं होती है बट उसके इंटरनल पार्ट्स, एनर्जी सब चेंज हो जाते हैं। स्पिरिचुअल डेथ के बारे में लोग अपनी तरह से बताते हैं बट मैं वो बता रही हूँ जो मैंने अनुभव किया है। मेरे अनुसार से जो स्पिरिचुअल डेथ है, जिसे हम कह सकते हैं एक्चुअली में कि स्पिरिचुअल डेथ, मैं वो बता रही हूँ। अगर आप इनर वर्क मेडिटेशन करते हैं तो आपको बहुत से हेल्थ इशू होता होगा, जैसे कि हेयर फॉल, पिंपल होना, एक्ने वगैरह, एलर्जी होना, स्किन कलर डार्क होना, बॉडी टेम्परेचर का बढ़ जाना या कभी कभी लो हो जाना, पैरों में, हाथों में जलन होना, सर दर्द होना, यहाँ तक कि स्किन ड्राई होना, स्किन छूटना जिसे कहते हैं, जब स्किन ड्राई होकर रिमूव होने लगता है, नेल टूटना, ये सब आपके साथ होता होगा। ये बहुत लोगों के साथ होता है स्पिरिचुअल जर्नी में। ये चीज़ें बाहरी हैं तो आप देख पाते हैं बट जो बॉडी के अंदर है आप उसे नहीं देख सकते। जैसे बॉडी के बाहर जो चेंजेस होता है वैसे ही अंदर भी होता है, यानी व्यक्ति जीवित होता है और उसके ओल्ड एनर्जी, बॉडी सब चेंज हो जाता है, उसका ऑरा चेंज हो जाता है। ये स्पिरिचुअल डेथ है। स्पिरिचुअल डेथ एक दिन में नहीं होता, ये कुछ मंथ लगते हैं, कुछ साल लगते हैं। आप जब इनर वर्क स्टार्ट करते हैं तो 5 से 6 मंथ तक ये सब चीज़ें आपके साथ ज़्यादा होता है। उसके बाद ये सारी चीज़ें धीरे धीरे कंट्रोल हो जाता है और आप अपने अंदर डिवाइन एनर्जी और डिवाइन डीएनए को जनरेट कर पाते हैं। आपकी जो ओल्ड एनर्जी होती है, आपका जो पास्ट लाइफ से लेकर इस लाइफ तक का जो भी डीएनए होता है वो सब चेंज हो जाता है और आपका ऑरा एक कॉस्मिक एनर्जी ऑरा बन पाता है, पॉजिटिव ऑरा बन पाता है। कुछ चीज़ें सभी के साथ होता है और कुछ चीज़ें अलग अलग होता है। अभी मैं कुछ दिनों से कंटिन्यू वीडियो नहीं ला रही हूँ बट ले आऊँगी। अभी मेरा मेजर एनर्जी शिफ्टिंग हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, सो एनी टाइम मुझे ऐसा फील हो रहा कि मैं मेडिटेशन में हूँ। जो भी चैनलिंग वगैरह हो रहा मुझे या गाइडेंस दिया जा रहा वो मैं भूल जा रही हूँ, तो इस एनर्जी को बैलेंस कर रही हूँ। तो ले आऊँगी मैं रेगुलर वीडियो, आप सभी को वेट रहता है वीडियो का। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।